चले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में जानने वाले हैं। समास के जो भी बेसिक जानकारी है और इससे संबंधित जो भी मतलब कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारी बेसिक बातें हम लोग जानेंगे। इसलिए ध्यान से जो है ना इस वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। देखो, कंपाउंड का मतलब यौगिक भी होता है। यौगिक का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर नया पदार्थ बना देना। यहाँ पर भी समास का डिफिनेशन वही होता है, दो पदार्थ मिलाओ चाहे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाओ तो वहां पर एक नया पदार्थ बनेगा। तो वो जो नया पदार्थ बनेगा वो सार्थक पदार्थ होना चाहिए। देखो, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकल सके। तो दो या दो से अधिक नए पदार्थ के संयोग से जो तीसरा पदार्थ बनता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से जो तीसरा पदार्थ बनता है वो तीसरा पदार्थ सार्थक यदि शब्द होगा तो बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एक समास हो गया। देखो, जब दो वस्तुएं मिलती है चाहे दो से अधिक वस्तुएं मिलती है तो एक नया पदार्थ बनता है। तो ये जो नया पदार्थ बनेगा वो सार्थक होनी चाहिए, उसका अर्थ निकलनी चाहिए, तब जाकर वो कहलाएगा समास। जैसे देखो, वाइफ और हस्बैंड ये दोनों मिलते हैं तो इनसे एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस क्रिया को हम लोग समास कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का निर्माण होता है, वाइफ हस्बैंड मिलते हैं। तो देखो, तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से चाहे शब्द जो है ना मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना? मतलब देखो, समास करने दो पदार्थ मिलेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो एक नया तीसरा पदार्थ बनेगा। वो तीसरा पदार्थ ये सार्थक शब्द होगा तो बोलेंगे कि यह जो क्रिया है क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है ना? समास को इंग्लिश में कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। दो पदार्थ मिलकर जब तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, वही बात कह रही है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक तीसरा सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग समास कहते हैं। अब देखिए, समास क्या है कि समास के यदि मास देखी जाए तो मास कितने होते हैं? 12 होते हैं। मास का मतलब महीना, हटा दीजिए मास की बात करते हैं। मास का मतलब होता है महीना, महीना 12 होते हैं तो 12 का आधा करेंगे 6, यानी समास के कितने भेद होते हैं? 6। यदि आप और भी सिंपली आप याद करना चाहते हैं समास का भेद तो याद रखना, लिखिएगा अब तक दाद। देखो, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्णधारय समास, और द से द्विगु समास, और फिर द से द्वंद्व समास। ठीक है ना? तो इस तरह से यदि आप इसको याद रखेंगे अब तक दाद, तो समास के 6 भेद आपका क्लियर रहेगा। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्णधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये समास के कितने भेद होगा? 6 भेद होते हैं। आप इससे भी याद रख सकते हैं अब तक दाद, यानी अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्णधारय समास, द से द्वंद्व समास, और द से द्विगु समास। मतलब ये 6 भेद होते हैं किसके? समास के। अब एक एक भेद को हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखो, अव्ययी भाव समास की बात करते हैं पहला, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग भी होता है। प्रधान भी होता है और क्या होता है? उपसर्ग भी होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा प्रारंभ में उपसर्ग का उपयोग हुआ हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको ट्रिक में क्या समझेंगे कि पहला पद छोटा हो और साथ में उपसर्ग होनी चाहिए। पहला यदि ट्रिकली हम लोग इसको समझेंगे तो पहला पद क्या होना चाहिए? छोटा होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? उपसर्ग होनी चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को जब विग्रह करेंगे, ब्रेक करेंगे तो प्रति जोड़ दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रति क्या? उपसर्ग भी है और प्रधान भी है, छोटा भी है। आ जन्म, आज और जन्म, यहाँ पर आ क्या? उपसर्ग भी है, छोटा भी है। इसका मतलब ये सब कौन सा शब्द है? अव्ययी भाव समास है। जैसे सहर्ष देखिए तो सहज और हर्ष, स क्या है? उपसर्ग है। यथासंभव, यथा जोर संभव, यथा क्या? उपसर्ग है और प्रधान भी है। प्रतिकूल, प्रतिजोर कुल, प्रति क्या है? उपसर्ग है। अनुरूप है, यह अनु क्या है? तो उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के शुरू में मिलकर उसका अर्थ बदल देता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो जिसका पहला पद क्या? छोटा होनी चाहिए और उपसर्ग होनी चाहिए वो कहलाता है कौन सा? आपका अव्ययी भाव समास। कई बार देखी जाती है जब एक ही शब्द डबलिंग आता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, हाथों हाथ, कानों कान, दिनों दिन, ये सब कहाँ पर एक ही चीज डबलिंग आ रहा है ना, दिनों दिन, हाथों हाथ। तो जहां पर एक ही शब्द बार बार आता है वो भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है ना? वही बात यहाँ पर है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ जोड़ हाथ, दिनों दिन, दिन जोड़ दिन, कानों कान, कान जोड़ कान। तो कहने का मतलब है कि जहां पर डबलिंग शब्द भी आएगा समझ जाओ कि वो भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आज जहां पर पहला पद प्रधान होता है और साथ में पहला पद उपसर्ग भी होता है वो भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो समझ में आ गई ये बातें। अब देखिए दूसरा, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास क्या है कि जिस समाज समास में दूसरा पद प्रधान हो
और वहाँ पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लूप हो जाए, मतलब कारक चिन्ह है ही नहीं हो, का के की रे ये सब जो कारक चिन्ह होता है ठीक है ना, के मे लिए ये सब कारक चिन्ह होता है। तो कहने का मतलब दूसरा पद इसमें प्रधान होनी चाहिए, किसमें, तत्पुरुष समास में, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, दूसरा पद छोटा और प्रधान भी होता है, दूसरा पद पहला पद नहीं होता है ठीक है ना, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखिए यहाँ पर यज्ञशाला, तो यज्ञशाला के लिए क्या, मतलब यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर जो के लिए है ये क्या है, तो कारक चिन्ह है, इस कारक चिन्ह का इसमें क्या हो गया, लुप्त हो गया, देख सकते हैं पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, यहाँ पर से का लुप्त हो गया शिवालय, तो शिव का आलय, यहाँ पर का लुप्त हो गया, यहाँ पर का लुप्त हो गया, और पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर मे का लुप्त हो गया, तो ये सब मे का से के लिए ये सब क्या है, एक है आपका क्या कारक चिन्ह है। तो जिनका दूसरा पद प्रधान हो, देख सकते हैं ना शाला मुक्त आलय उत्तम, ये सब दूसरा पद प्रधान है, और साथ में जिनके बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, जैसे से के लिए सब क्या है कारक चिन्ह, जब लुप्त हो जाएगा तो बोलेंगे कि वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है ठीक है। अब देखो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, पहला कर्मधारय, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा होता है, और चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, और भी दो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, और उसके बाद होता है छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। कहने का मतलब है तत्पुरुष भी 6 प्रकार का होता है, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, और पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। अब देखने वाली बात यह है कि कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है ठीक है ना, और कर्म तत्पुरुष में से और के द्वारा दोनों का लुप्त होता है। जैसे पाप मुक्त है तो इसमें पाप से मुक्त हो गया, तो यहाँ पर से का लुप्त हो गया, इसका मतलब ये क्यों ना होगा कर्म तत्पुरुष हो गया। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लुप्त होता है ठीक है ना, किसके, जैसे देखो यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए लुप्त हो गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, संप्रदान संबंध तत्पुरुष हो गया। अब देखो अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में मे का लुप्त होता है, जैसे पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, तो ये कौन सा आपका होगा, मे, अगर मे का लुप्त हो रहा है इसका मतलब पुरुषोत्तम कौन सा तत्पुरुष समास है, तो संबंध तत्पुरुष है। यदि छठे की बात कही जाए, सॉरी संबंध नहीं है, अपादान है, अपादान में मे का लुप होता है, और संबंध तत्पुरुष की यदि बात कही जाए तो संबंध तत्पुरुष में का की के मतलब ये सब का लुप्त होगा ना, का के की का, तो उसमें हम लोग बोलेंगे संबंध तत्पुरुष है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पर के का लुप्त हो जाता है तो बोलते क्या कि संबंध तत्पुरुष है। जैसे अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें मे का लुप हो, मे और पर का लुप हो, मे और मे का भी लुप हो और पर का भी लुप हो, जैसे पुरुषों में उत्तम, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा ठीक है ना। ये मोटा मोटी चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष ठीक है ना, इसमें ये सब लोप होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास क्लियर हो गया। अब चलिए इसका तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं। अब देखिए समास का तीसरा प्रकार, देखिए तीसरा प्रकार है कर्णधारय समास है। देखिए कर्णधारय समास क्या होता है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद और दूसरा पद में उपमान उपमेय, उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्णधारय समास कहते हैं। मतलब देखो जिस समास का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, और उनके बीच उपमान उपमेय विशेषण विशेषण का मतलब विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वही आपका जो शब्द होता है कहलाता है कर्णधारय समास। अब देखो इसको शॉर्टली यदि समझना चाहते हैं तो में पहला पद विशेषण होगा और दूसरे पद की तुलना होती है, और ये सिंपल सा तरीका है कि जिस विग्रह मतलब जिस समास के चाहे जिस समास के विग्रह पर आपका है जो या के समान आता है तो समझ जाओ कि वो कर्णधारय समास है। देखो बाबू कर्णधारय समास में दूसरा पद समान होता है और पहला पद और दूसरे पद के बीच उपमा उपमेय होता है विशेषण विशेष होता है तब जाकर वो कर्णधारय समास कहलाता है। अब इसको ट्रिक के द्वारा हम लोग कब कैसे समझेंगे, पहला पद विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद की तुलना होनी चाहिए, और विग्रह करने पर आपको जैसे है जो के समान ये शब्द आनी चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझो, चरण कमल, चरण कमल कौन सा समास है, तो कर्णधारय समास है। अब ध्यान देने वाली बात है कि चरण कमल इसको लिखेंगे चरण के समान, चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, इसका मतलब देख सकते हैं आप के समान आ गया। तो जहां के समान चाहे है जो, के समान चाहे है जो आ जाएगा, समझिए कि वो कौन सा समास है, कर्णधारय समास है ठीक है ना। तो चरण कमल कमल के समान चरण, इसका मतलब के समान आ गया, यानी ये कौन सा आपका आपका समास हो गया, कर्णधारय समास। अब महापुरुष, जैसे महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर है जो आ गया, तो है जो आ गया मतलब ये कर्णधारय समास हो गया। जैसे देखो मृग नयन, तो मृग के समान नयन, तो के समान आ गया, इसका मतलब आपका कर्णधारय समास है। और यहाँ पर देखो लाल मणि, जैसे लाल है जो मणि, तो है जो आ गया, तो जहाँ पर के समान आएगा चाहे है जो आएगा, समझिए कि वो कौन सा समास कर्मधारय समास। तो सीधी सी बात है कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उसके बाद उनके शब्दों के बीच
पहले और दूसरे शब्दों के बीच उपमा उपमेय और विशेषण विशेष से होता है, ठीक है ना। त्रिक के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं, या तो उसका पहला पद विशेषण होगा, नहीं तो पदों की तुलना कर सकते हैं, और नहीं तो विग्रह करने पर आपको बीच में क्या मिलनी चाहिए, है जो या के समान आएगा, तो उसे बोल सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है। जैसे देख सकते हैं सब कर्मधारय समास है, ठीक है ना। अब देखो चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि उसका पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, मतलब वैसा शब्द जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। देखो इसको पहचानने का तरीका संख्या वाले शब्दों का प्रयोग है। इनके पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण के लिए चौराहा, चौराहा का मतलब हो गया चार राहों का समूह, देख सकते हो त्रिकोण तीन कोणों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह। जब कहने का मतलब इनका पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक है, चार है, तीन है, तीन है। तो जिनका मतलब पहला शब्द पहला पद संख्यावाचक आएगा उसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास, ठीक है ना। अब देखो पांचवा है द्वंद्व समास। पांचवा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कहने का मतलब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास होता है। देखिए उस जिस समास के बीच में क्या लगेगा, या लगे, और लगे, अथवा लगे, एवं लगे, तो समझिए को कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके शब्दों के बीच जो होता है ना, या एवं उसके बाद क्या होता है, अथवा और, ये सब लगने का काम होता है। देखिए इसको त्रिक से कैसे समझेंगे, इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए पाप पुण्य, तो पाप का उल्टा पुण्य हो गया, ठीक है ना। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देख सकते हैं बीच में क्या लग रहा है, और लग रहा है। तो जहां पर और, एवं, या ये सब लगता है तो समझिए को कौन सा आपका समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो एकदम समझ लीजिए कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इसका ट्रिक यही है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, इसको विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, सुख दुख को सुख और दुख, गुण दोष को गुण और दोष। तो यहाँ पर जो है बीच में और आ रहा है, तो यहाँ से आप पहचान के बोल सकते हैं जिसमें और लगेगा वो क्या होता है, द्वंद्व समास, या एक दूसरे को उल्टा वो भी द्वंद्व समास होगा। तो सब एक दूसरे को उल्टा है, इसका आंसर द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता भी कौन सा है, द्वंद्व समास है। भाई बहन भी कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अब देखो छठा, देखो बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में कौनो पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि समास में कौनो पद प्रधान नहीं होता है, और पर दोनों पद मिलकर एक तीसरे नए पद की ओर संकेत करता है। देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो और दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हो। जैसे उदाहरण के लिए इसको समझ सकते हैं, देखो चतुर्भुज, क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज यानी चार है जिसकी भुजा है, अर्थात तीसरा शब्द आपका बन जा रहा है विष्णु, ठीक है ना। चतुर्भुज तो चार भुजाएं, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाली, तो दो शब्द हो गए चार और भुजा। अब ये दोनों मिलकर एक तीसरा शब्द बना दे रहा है विष्णु। चतुर्भुज का मतलब हो गया चार है जिसकी भुजा है, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तो लंब और उदर आ गया, दो शब्द हो गया, ये मिलकर क्या गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। तो लंबोदर का मतलब लंबा है उदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। दशानंद, दशानंद, दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इस कारण से सब बहुव्रीहि समास है। अब एक और बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपको दे दिया दशानन, कौन सा समास है। देखो यहाँ पर पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास भी हो सकता है। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पर यदि कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कर्मधारय समास में क्या होता है, मतलब के समान है जो, ये सब लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं के समान या है जो का कहीं कहीं यूज हो गया है। देखो तो कहने का मतलब है कि जहां पर आपको ऑप्शन के रूप में कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि मिले तो आपको आंख मूंद कर बहुव्रीहि मारना है। आपको अगर देखो बहुव्रीहि नहीं मिलता तभी आप कुछ और मार सकते हैं, कर्मधारय द्विगु मार सकते हैं। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि मिले तो आपको बहुव्रीहि को टच करना, बहुव्रीहि समास को टच करना है। जैसे लंबोदर कौन सा समास है, बहुव्रीहि होगा, बहुव्रीहि होगा। क्यों, क्योंकि लंबा है उदर जिनका, कौन हो जाएगा, गणेश। दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यदि प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिया हो और उसमें कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास हो तो आपको क्या ऑप्शन टच करना है, बहुव्रीहि समास टच करना है। तो इस तरह से समास का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।